दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइड विजिट में। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। थोड़ी जो साउंड है थोड़ी वाइब्रेट हो रही होगी क्योंकि रूम अंदर में वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो अगर मैं बात करूँ, आज की वीडियो हमारी स्विचेस पे ही होने वाली है कि जो हमारे स्विचेस हैं वो आपको एक रूम में, आपका कोई भी लिविंग रूम है या बेडरूम है, किचन है, जो कोई भी एरिया है, तो उसमें हमें कितने स्विचेस प्रोवाइड करने हैं, 16 एम्पेयर का कितने करने हैं, 6 एम्पेयर के या 25 एम्पेयर के या 15 एम्पेयर के, जो भी है वो सब चीज़ें इस वीडियो में आपको पता चलने वाली है। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, कंप्लीट आपको वीडियो देखनी पड़ेगी इस चीज़ को जानने के लिए। सबसे पहले हमारा जो NBC कहता है, नेशनल बिल्डिंग कोड कहता है कि आपको क्या करना है कि जो स्विचेस हैं उसमें क्या क्या चीज़ें देखनी है। एक तो पहले जो फायर रेजिस्टेंट होती है वो हमेशा देखना ही देखना है, मतलब 2-3 घंटे तक वो फायर रेजिस्ट कर सके ऐसे स्विचेस आपके होने चाहिए। फिर आप जो 15 से 16 एम्पेयर का सॉकेट यूज़ करना है कहाँ करना है, 16 एम्पेयर का कहाँ करना है, वो सब चीज़ें इस वीडियो में पता चलने वाली हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हाइट से। जैसे स्विच देख रहे हो आप, ठीक है, हमारे ऊपर स्विच आ गया और नीचे हमारा FFL आ गया, फिनिश फ्लोर, ठीक है। यहाँ से ये स्विच का मिनिमम आपको कितना हाइट रखना होता है, ये डिपेंड होता है आपकी कितना आपको चाहिए, वो डिपेंड उस चीज़ पे होता है। लेकिन आपको मिनिमम, अगर मैं बात करूँ, 4 फीट आपको ये डिस्टेंस रखना। मैं दूर से दिखाता हूँ आपको, जो ये डिस्टेंस आपका रहेगा यहाँ से यहाँ तक, ये 4 फीट रहेगा। और नीचे जो सॉकेट आते हैं हमारे प्रेस के लिए, किसी के लिए भी, ये आपका 1.5 फीट रहता है। कितना? ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपका ये 1.5 फीट रहेगा। तो ये आपको एक चीज़ ये नोटिस कर लेनी है। फिर अगर हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, कि आपको जो किचन है हमारा, किचन पे पहले शेल्फ आपकी आ जाएगी, तो शेल्फ से 8 से 9 इंच पे आपको सॉकेट रखना है। मैं आगे बताने वाला हूँ कंप्लीट आपको, थियोरेटिकल वे से मैं ज़्यादा बताऊँगा उसमें, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि आपको बेडरूम आपका या लिविंग रूम है उसमें किस हिसाब से कितना कितना आपको प्रोवाइड करना है। तो यहाँ भी आप देख रहे हो 4 फुट पे हमारा ऊपर वाला जो सॉकेट, और हम ये सॉकेट हो गया, ये हमारे स्विचेस हैं, और नीचे वाला हमारा 1.5 फुट पे। तो मोस्टली आप इस पूरे रूम में या घर में आप देख सकते हो यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं। तो एक मैं विजिट करवा लेता हूँ, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें सीखने वाले हैं हम लोग कि कहाँ पे कितना कितना आपको प्रोवाइड करना होता है, वो मैं थ्योरेटिकल बताने वाला हूँ। तो वो स्टार्ट करने से पहले आपको एक काम कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मिलने वाली, इंपॉर्टेंट डिटेल मैं आपको देने वाला हूँ। तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अभी हम पढ़ते हैं इसके थ्योरेटिकल पार्ट की तरफ। तो ठीक है, चलो मैं अभी लिविंग रूम में ही खड़ा हूँ। तो लिविंग रूम में मैं आपको बता दूँ, पहले तो हमारे 4 सॉकेट होंगे और 4 स्विचेस होंगे, ठीक है। 4 सॉकेट किसके लिए रहने वाले, हमारे 4 सॉकेट हमारे रहेंगे, टीवी के लिए एक रहेगा हमारा, ये आ गया, चलो मैं टीवी का बता दूँ, ये टीवी के लिए रहेगा, 1 सॉकेट टीवी का आ गया, दूसरा सॉकेट हमारा DTH का आ गया, क्लियर। ये हो गया हमारा 6 एम्पेयर की मैं जो बात करूँ, ये आपको 6 एम्पेयर के डालने हैं। और एक चार्जर का रहेगा, ये चार्जर का आ गया, लगा लो, ठीक है, एक आई नहीं अगर रख लो, ये प्रेस के लिए आ गया और दूसरा वो चार्जर के लिए आ गया, क्लियर। तो इसमें हमारे हो गए, लिविंग रूम की बात कर रहा हूँ, 4 सॉकेट हो गए और 4 स्विचेस हो गए, यहाँ से क्लियर हो गया जी, वो आएंगे हमारे 6 एम्पेयर के। फिर 2 सॉकेट और 2 स्विचेस किसके आएंगे, वो आएंगे हमारे किसके, AC के लिए, AC एयर कंडीशनर और स्पेयर एक रहेगा, वो आ गया AC के लिए। मैं आपको दिखा देता हूँ फोकस करके, वो AC के लिए एक सॉकेट आ गया हमारा और एक आ गया स्पेयर। ये होंगे कितने, 16 एम्पेयर के, ये याद रखना है। आप 16 एम्पेयर के साथ भी जा सकते हो, आप इसके साथ 25 भी जा सकते हो, तो 16 बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमारे आते हैं 5 स्विचेस, जो किसके लिए रहेंगे हमारे, 5 स्विचेस रहने वाले हैं हमारे लाइट के लिए। तो ये हो गया, हमें बता दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये किस लिए मैं बताता हूँ आपको, क्लियर करता हूँ। ऐसे लिविंग रूम में आप 5 स्विचेस रखते हो वो कोई दिक्कत नहीं है, 2 फैन के हो जाएंगे, 3 लाइट के हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, फॉल सीलिंग का है और अलग अलग पॉइंट हर के दिए हुए, क्योंकि इसमें अप्रॉक्स 10 लाइट हैं तो उसके हिसाब से दिया। लेकिन आपको फॉलो क्या करना है, मैं आपको एक बार पूरा फोकस कर देता हूँ, ये देखो आपको फॉलो यही करना है कि 4 सॉकेट, ये इसको यहाँ स्क्रीनशॉट ले लो या आप नोट कर लो कि लिविंग रूम में आपके इतना होना चाहिए। फिर हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे बेडरूम की तरफ। तो बेडरूम में आपको कितना होना चाहिए, अगर मैं बेडरूम की बात करूं तो बेडरूम में आपके 3 सॉकेट होने चाहिए और 3 स्विचेस होने चाहिए, कितने, 6 एम्पेयर के।
छः एम्पीयर के क्यों, उसमें भी हमारा क्या रहेगा, एक टीवी का रहेगा, एक डीटीएच का रहेगा और एक चार्जर रहेगा जिसमें तीन सॉकेट आगे छः एम्पीयर के और तीन स्विचेस आगे। फिर एक सॉकेट रहेगा और एक स्विच रहेगा किसके लिए, एसी के लिए रहने वाला है, वो मैं आपको बेडरूम का दिखा देता हूँ। तो ये आ गया हमारा, जैसे मैंने बताया था सॉकेट आ गया और वो हमारा एसी का पॉइंट आ गया और ये आ गया हमारा दूसरा। तो इसमें आप क्लियर आप कर सकते हो, देखो मैं क्लियर आपको बता देता हूँ। तो इसमें हमारा रहने वाला है तीन सॉकेट छः एम्पीयर के, तीन स्विचेस आगे, फिर एक सॉकेट आगे एसी वाला 16 एम्पीयर का और चार स्विचेस आगे। लेकिन स्विचेस आप चार किसके हो गए, एक फैन के लिए या दो फैन के लिए रख सकते हो, बाकी लाइट के आपके रहेंगे। लेकिन अगर आप फॉल सीलिंग के साथ जाते हो अलग पॉइंट के साथ तो वहाँ स्विचेस आपको ज़्यादा देने पड़ सकते हैं, वो आप पे डिपेंड है कि आपको कितने देने हैं। तो ये क्लियर हो गया। अभी हम बढ़ते हैं हमारी किचन की तरफ। तो किचन में आपको क्या क्या रहेगा, किचन में आपके तीन सॉकेट रहेंगे और तीन स्विचेस रहेंगे, ठीक है, तीन सॉकेट और तीन स्विचेस। वो किसके लिए रहेंगे, एक फ्रीजर के लिए रहेगा, फ्रिज आपको रेफ्रिजरेटर आपको लगाना है, दूसरा आपका मिक्सर वाला रहने वाला है, मिक्सर आपको लगवाना है, तीसरा इंडक्शन यूज़ करते हैं इंडक्शन के लिए रहेगा, वो 6 एम्पीयर के रहने वाले हैं। और जो सॉकेट रहेंगे तीन सॉकेट और तीन स्विच 16 एम्पीयर के, एक माइक्रोवेव के लिए रहेगा, एक वाटर प्योरीफायर और एक हीटर के लिए आपका रहने वाला है 16 एम्पीयर का। फिर हम बात करते हैं हमारे जो तीन स्विचेस बाकी उसमें रहने वाले हैं लाइट और 6 एम्पीयर के, लाइट फैन और एग्जॉस्ट के लिए वो यूज़ किए जाने वाले हैं। नेक्स्ट मैं नीचे बैठ के आपको दिखा देता हूँ। नेक्स्ट जो हमारा बाथरूम रहने वाला है, तो बाथरूम में आपको क्या करना है, एक सॉकेट रहेगा, एक स्विच रहेगा 6 एम्पीयर का, क्लियर। उसमें देखो वो चार्जिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, कोई भी इमरजेंसी मतलब स्पेयर आप रख सकते हो उसको, वो आपका स्पेयर रहने वाला है। फिर आपके दो सॉकेट और दो स्विच रहेंगे 16 एम्पीयर के, वो एक गीज़र के लिए आप यूज़ कर सकते हो, दूसरा वॉशिंग मशीन आप वहाँ फिटअप करवा सकते हो, तो उसके लिए 16 एम्पीयर रखिए। फिर दो स्विच आपके रहेंगे लाइट और एग्जॉस्ट के लिए, मतलब जो आपके वहाँ लाइट होगी, दो बल्ब या तीन स्विच कर सकते हो, दो बल्ब के लिए और एक आपका एग्जॉस्ट फैन रहेगा, वो 6 एम्पीयर का आपका उसमें रहने वाला है। फिर हमारा जो बरामदा है, बरामदा में एक सॉकेट एक स्विच, सॉकेट आप स्पेयर रख सकते हो, स्विच आपका रहेगा लाइटिंग के लिए 6 एम्पीयर का रहेगा और आपके तीन स्विच जो लाइटिंग के रहेंगे, क्लियर। बाहर जो हमारी मोटर वगैरह होती है, वेट एरिया जिसे हम बोलते हैं, तो वहाँ पे एक सॉकेट होगा, एक स्विच होगा 16 एम्पीयर का, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आपका सेटिंग हो जाएगा। तो मतलब इस हिसाब से आप फॉलो अप ले सकते हो कि आपको कितने स्विचेस और कितने, देखो बाकी मेन चीज आपको इलेक्ट्रिशियन बता देगा, तो आपको बस एक ही चीज़ रखनी है कि 16 एम्पीयर उनको आप देखो, आपको ये गाइडेंस हो गया, आपको नॉलेज होगा, तो आप क्या कर सकते हो, उनको उनसे गाइडेंस ले सकते हो कि 16 एम्पीयर का कहाँ लगने वाला है, तो आपका वो क्लियर हो जाएगा 16 एम्पीयर का कहाँ लग रहा है और 25 का कहाँ, 6 का कहाँ। और बेस्ट कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो आप सामने जो लाइटिंग देख रहे हो ये सब एंकर के किया हुआ है, ये एंकर के आप स्विचेस देख रहे हो, इसमें मैं वीडियो ला चुकी हूँ कौन से स्विचेस बेस्ट हैं। तो एंकर भी जा सकते हो, लेग गार्ड जा सकते हो, जीएम जा सकते हो, हैवल्स जा सकते हो, तो काफ़ी कंपनीज है, वो आपको डिसाइड करना है। बाकी ये चार कंपनीज जो काफ़ी अच्छी हैं और सस्ते में अगर मैं बात करूँ, एंकर सबसे अच्छी है, उसमें जो स्विचेस हैं वो आपको 20 से 25 रुपए में स्विचेस मिल जाएंगे। और जो आपका मॉड्यूल है, मेन जो मॉड्यूल महंगा रहता है, ये मॉड्यूल का खर्चा काफ़ी ज़्यादा पड़ता है, इस पे आपको डिपेंड है, आप पेंटा के साथ जाते हो या कौन रोमा के साथ जाते हो, वो डिपेंड है। ये रोमा सामने आप जो स्विचेस के मॉड्यूल देख रहे हो, ये रोमा कंपनी के हैं, स्विचेस भी आपके एंकर के हैं, तो आप इसमें पेंटा के साथ भी जा सकते हो, वो आपकी डील है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें आपको हाइट पता चल गई, आपको पता चल गया कितने स्विचेस आने चाहिए। तो आप कमेंट कर सकते हो अगर आपको इस पे क्या है समझ नहीं आया, ठीक है, इस पे आप पीडीएफ चाहते हो तो मैं पीडीएफ भी ले आऊँगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आप पसंद की होगी आपने। तो ऐसी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन दबा के रखिए। थैंक यू गाइस।